आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। टाइम्स टीवी द्वारा प्रसारित टाइम्स टॉक कार्यक्रम में अपने सबके स्वागत। हम वीरेंद्र अमन। आज हमरा सबके बीच में अतिथि छथि डॉक्टर सुरेंद्र झा, नीति आयोग के सदस्य, राजपा नेपाल के नेता। हिनका संगे हम सब प्रदेश के किछु योजना के विषय में गपशप करब। एक बाद अखन एकटा शंका उपशंका ही देखल जाय छे, चर्चा परिचर्चा होय छे, जे संघीयता के प्रश्न चिन्ह पर खड़ा कयल जाय छे संघीयता पर। हिनका संगे हम सब इएह सब विषय वस्तु जोड़ के संवाद करब, किछु पॉलिटिकल और किछु विकास निर्माण के विषय। सबसे पहिने स्वागत करी डॉक्टर साहब। की कह रहल छी नीति आयोग? बहुत बेसी अपेक्षा के साथ प्रदेश सरकार के गठन भेल छै और तीन तीन टा मधेश पित्रो के नेतृत्व के रहा पार्टी सब के कोलिशन के सरकार छै। तकर बाद में अपने के 250 वर्ष द्रवित समाज, एक नया सपना, एक नया सोच, एक नया जैसे परिकल्पना से आगा बढ़ जा रहा है। कई संदर्भ में बहुत चीज कर के एक शुरुआती दौर पर कहल जाए तो अखन जे समय हम सब व्यतीत कलों हैं तो कम से कम प्रादेशिक सरकार के संरचना सब से तक सब एक तैयारी के अवस्था से हम सब गुजर रहा है। नीति आयोग से हो भीतरे के एक संस्था है तो नीति आयोग के अखन के जे क्रियाकलाप है तो अ सरकार के हम सब कार्य नीति तथा कार्यक्रम सब सार्वजनिक कने छी, जाहिमे बहुत संभावना सब जे से हम सब में लऽ के आयल छी और जे जन अपेक्षा छै खास कर के धार्मिक सांस्कृतिक एहिठाम के सामाजिक परिवेश छै ओहि परिवेश में जे मुद्दा सब जे हमर सब के वैल्यू सिस्टम में जे सब मुखरित नहि भेल छै जकरा दबाओल गेलै बहुत वर्षों से जे छै से शासक द्वारा ओ सब चीज के केना के जे छै से मुखरित करी और विगत के जे हमर अहाँके जे मधेश के भूमि छै ई देवत्व भूमि कहल जाइ छै एकरा। एहिमे जे छै अपने के देवी देवता सब के जन्म भेल छै, महामानव सब के जन्म भेल छै, एतेक जे छै से उर्वर भूमि, एतेक जे छै से अपने के अलौकिक और बहुत बेहतर इतिहास वाला भूमि। आइ हमर अहाँके मधेश के अवस्था जे छै से हर हिसाब से हमसब पाछा छी तऽ हमर सबके जे ऐतिहासिक धरोहर अइ, ऐतिहासिक जे परम्परा अइ ओकरा सबके हमसब फेर पुनरुत्थान के तरफ केना के बढ़ी तऽ सारा विषय सबके जे छै से जोड़ि कऽ अपनेके प्रदेश सरकार के नीति तथा कार्यक्रम आयल छै ओहि अनुरूप सब प्रदेश सरकार आगाँ बढ़ाय से हमर सबके अपेक्षा अछि और नीति आयोग के एकटा इहो जिम्मेवारी छै जे एहि प्रदेश भीतर में जे अन्वेषण अनुसंधान अध्ययन में नहि पड़लावा विषय सब छै तकरा सबके जे छै से अन्वेषण कयल जाए, खोज कयल जाए, अनुसंधान कयल जाए और जे सही विषय सब छै, जे सही विषय वस्तु छै तकरा सबके जे जन जनता के बीच में जे छै से लायल जाए और सरकार जे छै से ओहि सब विशिष्टता जे हासिल केला हमर अहाँके जे एकटा सामाजिक हीरो सब छलखिन, ऐतिहासिक वीर पुरुष सब जे छलखिन हुनका सबके बारे में जे छै से कृति सब जे छै से हमरा सबके निर्माण करके अवस्था अछि, हुनका सबके बारे में धरोहर सब जे छै हमर सबके ऐतिहासिक सांस्कृतिक सामाजिक राजनीतिक ई सारा चीज सबके जे छै से अन्वेषण अनुसंधान कऽ कऽ जे छै जनता के बीच में सेवा आना के अइ तऽ ई सब काज जे छै से हमसब आगाँ बढ़ाबैके प्रयत्नशील छी। अपने सबके नीति आयोग विशेष कऽ कऽ सरकार के नीति निर्माण करबे एकटा मार्गदर्शक के काज करै छै, गाइडलाइन दै छै। एक तो कहे ना पहाड़ी सब अपने सब पहाड़े पाद या ओकर चिंतन के विरुद्ध में आंदोलन करे छे, ओ शब्दावली एक प्रयोग करे छे हुने बिरुआ को चिल्लो पाद बेसी तो त नै जाय। मुख्यमंत्री कार्यालय के हमरा पास में एक बजट कार्यक्रम है, ओकर बजट कार्यक्रम में सब सफाई पर केंद्रित छे। ओ कहने छथिन कि यहाँ के जे हम सब 8x12 के होर्डिंग बोर्ड लगाए स्वच्छता के जनचेतना लगाए जिनमें अहाँ के ठाम ठाम हमारे पोस्टर रहते जनता इएह चाहि रहल छै ना जे लाल बाबूजी के आके हरेक ठाम ठाम में मूर्ति देख के पाली, इएह छै अभियान, इएह छै आके सरकार के नीति। अपने के एक दूटा चीज कहि रहल छी जाहिमे अहाँके इहो विषय समटा देते जेना अपने के हम पहिले कहलहुँ हैं कि अपेक्षा बहुत ज्यादा छै, वर्षों से हमसब पाछा पड़ल छी, राज्य के स्रोत साधन एहिठाम के मधेश और एहिठाम के जनता से जुड़ल विषय सब पर जैसे बेसी खर्च नहीं कल गेल जकर चलते हम सब द्रवित समाज के रूप में उपनिवेशीकरण के शिकार हम सब हो गए छी। तो काज करे के बहुत संभावना छै जेना अपने के हम कही
नीति तथा कार्यक्रम कहलिए थे, नीति तथा कार्यक्रम हम सभी कहलिए जे मधेश के स्वच्छ मधेश समृद्ध मधेश बनाबल छै। तऽ नीति में तो कोनो कमजोरी नहीं छै, स्वच्छता आवश्यकता छै हमरा सब के, ओय में तो कतौ समस्या नहीं छै। खोट छै ना बजट प्रणाली में खोट छै। नहीं हम आबि रहल छी अपनेके, नीति तथा कार्यक्रम कहलिए कि स्वच्छ मधेश बनाबल के छै, हरा भरा मधेश बनाबल के छै, जे हमर सब के मंत्रालय से गाछ वृक्ष लगायल जाए, मधेश के जे पुरनका इतिहास जो है से फिर से पुनरावृत्ति वही ढंग से हेतै। और कहबो करै छै यदि अपने जे छै से 20 वर्ष 25 वर्ष के सिक्योरिटी सुरक्षा चाहिए तो वृक्षारोपण करू, 100 वर्ष के सिक्योरिटी सुरक्षा चाहिए तो बाल बच्चा के अध्ययनशील बनाओ। तो नीति तो बहुत बढ़िया छै कि स्वच्छता अभियान के आगा बढ़ायल जाए, नीति बहुत बढ़िया छै जे अपने के चूड़े बचाओ मधेश जोगाओ, एहि दुआरे चूड़े में जे स्खलन भऽ रहल छै ताहिसँ अपने सबके ओ सिल्ट कहै छै जे उत्पादनशील जमीन भूमि पर सतह पर बाउल आबि रहल छै आइके डेटमे, और पानि बहिकऽ जा रहल छै अहाँके, जेकि चलते वाटर लेवल सेहो नीचा जा रहल यऽ हमरा अहाँके। और ई प्रदेश जे छै खास कऽ कऽ कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में एकरा मुखरित करऽके छैहो, ई वास्तविकतो सएह छै। तऽ चूड़े संरक्षण करऽके अभियान जे छै से हमरा सबके चलाबऽके, तकर बादमे ई अपन जे प्रदेश छै सबसे बेसी दलित के जनसंख्या, सबसे बेसी जे छै से अपने के मुसलमान के जनसंख्या वाला प्रदेश छै, और समग्र प्रदेश सब में सेहो अहाँके अखन के डाटा देखबै तऽ 54 लाख प्लस जनसंख्या छै, लेकिन ओ 65 लाख से हरहारी में पहुँच गेल छै। तऽ सबसे बेसी जनसंख्या लगभग लगभग 23-24% टोटल पॉपुलेशन एहिठमन छै, लेकिन लैंड के जे स्पेस कहबै तऽ समग्र मुताबिक 6% जमीन छै, जाहिमे 23% जे छै जनसंख्या रहि रहल छै। तऽ दलित के उत्थान के लेल, महिला के उत्थान के लेल जे छै से कार्यक्रम आनल गेल छै, विभिन्न शीर्षक में कार्यक्रम आनल गेल छै। सामाजिक विकृति जे छै से हमरा अहाँके, ओहि सामाजिक विकृति सबके समाप्ति करै के लेल जे छै से कार्यक्रम सब आनल गेल छै, जाहिमे एकटा अपने देखल छी जे सिर्फ जनकपुर के अपने उदाहरण दै छी हम, कि एक वर्ष में लगभग लगभग अहाँके एवरेज में 32 टा से लऽ कऽ 38 टा जे छै से नवजात शिशु के फेंकल जाइ छै। दुर्भाग्य एहन छै जे अपने के विगत 20 वर्ष के हम डाटा कहै छी, सीडीओ कार्यालय में अपने सब जाकर देखबै तो एक आदमी अभियुक्त के हम सब नहीं पकड़ सकल छी अखन तक। तो बहुत बड़का समस्या छै, ई विकृति छै, लेकिन एकरा जे छै से रोकऽ के लेल राज्य संयंत्र कहाँ छै तऽ कतौ नहि छै। तऽ ई सब जे समस्या अछि हमरा अहाँके बीच में, तकरा जे छै से नीति तथा कार्यक्रम में राखल गेल छै कि एहि सब चीज के आगा बढ़ाबऽ पड़तै। तकर बाद में अपने के हम कहि रहल छी कि टॉयलेट निर्माण के बाद जे छै से हम अहाँके बुझल आयत कि समग्र देश में सबसे कम टॉयलेट उपयोगकर्ता प्रदेश नंबर 2 में छै। एकरा जे छै से अभियान के तहत लऽ जाय पड़तै, लोक के सिखाबो पड़तै कि पहले के जमाना नहीं छै जे अपने के 10 कट्ठा में घर यऽ, 4 कट्ठा में घर यऽ, 3 कट्ठा में घर यऽ, तऽ टॉयलेट जे छै से बाड़िए के बना देबै तैयो हेतै, ताहि सब चीज सब उठऽ पड़तै। कारण जे आब शहरीकरण में जा रहल छै समाज, एहि के लेल जे छै से कार्यक्रम अननाइ अहाँके जरूरी छै। शिक्षा में खास कऽ कऽ बड़का व्यथिति छै अहाँके, एकटा तऽ केहन व्यथिति छै कि शिक्षा समग्र जे बुझा रहल छै वएह अपनेके जे अवस्था इएह छै मधेश के, जे कर्णाली के अपने तऽ अर्थशास्त्री छी अपनेके बुझल आयत जे तुलनात्मक रूप में कर्णाली के अवस्था जे पर ओहिठाम के जे इनकम छै, ओहिठाम के आमदनी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम सब मोटा मोटी छी हुनके सबसँ कते में तो उसे नीचो छी अहाँके। तऽ एहि चीज हम अपने के कहि रहल छी जे ई सब चीज जे छै से प्रदेश सरकार आगा बढ़ाबै, नीति तथा कार्यक्रम में स्पष्ट ढंग से ई सब चीज राखल गेल छै अहाँके। जेना देखियौ जेना छै अपने के नीति कार्यक्रम बनले, नीति कार्यक्रम आयला के बाद में यदि नीति कार्यक्रम प्रस्तुत होइत रहै प्रदेश सभा में, हम अपने उपस्थित रही देखलियै जे बुझाय जे प्रदेश सरकार आब एकटा काज के रफ्तार आबि रहल छै, लेकिन जखन सरकार के रातो किताब कहल जाए बजट पुस्तिका जखन सादरी भेलै ना पूरा पूरा निराशाजनक भेलै। बजट अलग ओ पुराना नीति कार्यक्रम के ठीक विपरीत अहाँ के बजट भाषण आयल छै अर्थमंत्री जी के, आर्थिक मामला योजना मंत्री जी के। एहिमे हम इएह सब चीज जोड़ि कऽ अपने किछु निवेदन करऽ चाहै छी जे हमर सबके अथी कहनाम छै कि जे हमरा समाज के जे इंडेक्सेस सब मे हमसब कमजोर छी, जे ठमन हमर सबके समस्या अछि, जेना भ्रूण हत्या सबसँ बेसी होइए, महिला के शिक्षा मे हमसब पाछा छी, साक्षरता मे हमसब पाछा छी, कुपोषण के हमसब बहुत बेसी शिकार छी, हमर सबके महिला सबके रिप्रोडक्टिव हेल्थ मे कमजोर अछि हमर सबके महिला, सामाजिक सुरक्षा मे समस्या अछि हमरा सबके, चूड़े बचेनाइ हमरा सबके बहुत आवश्यकता अछि, वाटर लेवल हमर सबके नीचा जा रहल अछि, जकरा जे छै से रिचार्ज करैके लेल रिवर बेसिन सबके निर्माण केनाइ हमरा सबके जरूरी अछि,
किसान के लिए जे छै से अहाँके योजना सब लगेबे जे किसान के सशक्तिकरण केना के बढ़ायल जाए, किसान खेती क के हुनकर सबके अनाज हमसब प्रदेश सरकार खरीदू, सरकार खरीदू और हुनका सबके उचित मूल्य भेटे। कृषि बेस्ड जे छै से इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमरा सबके जाके जे हमरा सबके छोट छोट काज सब क के अपने कृषि के उत्पादन में इनपुट बने और इंडस्ट्री बने, ई सब सारा चीज पर जे छै से अहाँके नीति आयोग काज कर रहल अछि, कार्यक्रम ई सारा चीज सब हमसब रखने छी आ एक सब चीज के आगा बढ़ा देते। जखन अहाँ के कतक कंसर्न ये जे जेन्युइन कंसर्न हम अहाँ के बुझि रहल छी कि हमरा जाके चाहिए तो रामानंद चौक, लेकिन हम पैरो जा सकै छी, रिक्शो से जा सकै छी, साइकिलो से जा सकै छी, कारो से जा सकै छी आ हेलीकॉप्टर लऽ कऽ जेबै तैयो जा सकै छी। तो बुद्धिमत्ता ई हेतै जे अहाँ एहन ढंग से जेबै रामानंद चौक तऽ अहाँ लगमे स्रोत साधन के अवस्था की छै, ओहिमे सबसे उच्चतम प्रयोग कोन विधि से जेबै तऽ अहाँ पहुँच सकै छी। ताहिमे भऽ सकै छै जे त्रुटि सब भेल छै, त्रुटि सब भऽ रहल छै, जेना अपने कहलहुँ हँ, हमरा ई जानकारी नहि अछि लेकिन अहीँसँ जानकारी भेलै जे 8x12 के जे छै मुख्यमंत्री जी के बोर्ड लगायल जेतै ठाँव ठाँवमे, जाहिसँ जे स्वच्छता अभियान के आगा बढ़ायल जेतै। एकटा ई 8x12 के बोर्ड सब वाला जानकारी हमरा नहि अछि, आब काल्हि हेतै तऽ आओर चीज हम जानकारी करा देब अपनेके। आओर चीज छै अपनेके जे हैंड पम्प चापा कल अहाँके 250 फीट के ओ 50 जगह करते स्वच्छता अभियान के तहत से। इनार के भुगतानी गत वर्ष वाला बाकी छे 10 के इनार के भुगतानी दे रहा है। स्वच्छता अभियान के सेवाग्राही छे अर्थात सब चीज हुनकर संगे हुनकर काज से जानकी मंदिर के देखकर एक प्रशंसनीय काज भ रहा है। प्रचार प्रसार के लिए फिर अहाँ के रकम निकासा भेल छै, ओही में से मठ मंदिर संरक्षण के विषय छै, सांस्कृतिक बुझाई केना छै कि अपने के जे हमरा सब के जे यदि ठीक छै फोहर स्वच्छता बनाबे के तो ई मठ मंदिर में पैसा लगा के स्वच्छता अभियान तो सफल होवे के संभावना नहीं छै, मस्जिद या मदरसा या ई चर्च में आके पैसा लगा के स्वच्छता अभियान होवे वाला नहीं छै। दिशा दिग्भ्रमित भ रहल छै कि प्रदेश सरकार एक दूटा चीज सब हम कहे चाहे छै आगे प्रदेश सरकार यदि दिग्भ्रमित भ रहल छै तऽ अहूँ संसद व्यक्ति के काज सुझाव सलाह देनाय और समग्र समाज के काज सुझाव सलाह देनाय, सुझाव सलाह हमसब यदि नहीं लेब हमर सरकार यदि नहीं लेब तखन हमसब शायद ई सब विषय पर बेसी चिंतित होयब, लेकिन प्रदेश नंबर 2 के सरकार ई सुझाव सलाह के लेल पूरा खुलम खुला जे छै से ओपन डोर पॉलिसी में चल रहल छै, चलनाय ओकर बाध्यता छै। कारण ई 5 बरस जे हमसब ढंग से काज नहीं करब तो हमर सबके जतेक बेसी एस्पिरेशन छै जतय हमरा सबके लक्ष्य जतय पहुँचबे ततय हमरा सबके सफलता हासिल होयत। जेना एकटा चीज अपने कहि जाइ छी कि स्वच्छता जे शब्द छै ने ओकर बहुत आयाम छै अहाँके, ओ अहाँके 4टा मंत्रालय संघ के 4टा मंत्रालय भीतर के काज सब स्वच्छता अभियान भीतर में पड़ै छै, जे बहुते जनता के नहीं बुझल छै स्वच्छता अभियान के मतलब खाली हमसब जे फोहर खाना खाइ छी चाहे फोहर जे करै छी ओकर मात्र व्यवस्थापन नहि होइ छै, ओहिमे अहाँके कथी सब अबै छै तऽ अहाँके खाने पानी, अहाँ जाबत तक शुद्ध खाने पानी नहि देबै जनता के तऽ अहाँके स्वच्छता अभियान जे छै से सफल नहि होयत। अहाँके तऽ खाने पानी अहाँके देबऽ के छै, अहाँके बुझल होयत कि मधेसमे एहन बहुते दलित बस्ती सब छै जाहिठाम टोल सब छै जाहिठाम अखन एकटा अहाँके इनार के अवस्था नहि छै, कल के अवस्था नहि छै आ ओ पानि पीबऽ के लेल जे छै से बहुत तरस रहल छै अहाँके, ई अवस्था हमसब अपने से हमसब तऽ गाँवमे जाइ छी घुमै छी राजनीति कर्मी छी तहु हिसाब से अहाँ देखने छी तऽ अहाँके जाहिठमन खाने पानी के अवस्था छै ओहिठाम खाने पानी से अहाँके पहुँचाबऽ पड़तै, टैंकी से ओकरा पानि पहुँचाबऽ पड़तै, जाहिठमन नहि छै तैठमन चापाकल के व्यवस्था करऽ पड़तै। इनार जे छै अहाँके ई वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एकटा बहुत बड़का मैकेनिज्म छै अहाँके, जे भारतो सरकार श्री नरेन्द्र मोदी जी छै ओहिमे बहुत प्रयत्न केलखिन साउथ इंडिया में ई सब चीज आगाँ बढ़लै आ हुनका मोदी जी छै से नॉर्थ इंडिया में ओकरा लागू करऽ चाहलखिन, जे अपना सबके पूर्वज सब पहिले इनार खुनबै छलखिन तऽ इनार के जे छै से अहाँ स्वच्छ कऽ रहल छी आओर इनार जे पुराना इनार सब ऑलरेडी खनल छै ओकरा जे अहाँ सब यदि मानि लिअ रेन वाटर हार्वेस्टिंग कऽ पानि जमा कऽ रहल छी तऽ अहाँके वाटर लेवल जे 400 फीट में चलि गेलिए ओ रिचार्ज करैके एकटा संभावना भऽ सकै छै, आओर ओहिमे कॉस्ट नहि छै कारण ऑलरेडी खुनल छै पहिलेसँ छलैए, ओकरा कनि खर्चा कऽ देबै तऽ इनार यूजेबल इनार होइत अहाँके, जाहिसँ कमसँ कम मानव यदि पानि नहिओ पी रहल छै तऽ वस्तु भऽ गेलै पानि पियाएल जा सकै छै अहाँके, मतलब गाय माल जालके सिंचाइके लेल प्रयोग कयल जा सकै छै ओहिमे, तऽ ताहि दुआरे ओहिके तहत जे छै से ई चीज आयल छै अहाँके। दोसर अहाँके कथी बुझऽ पड़तै कि खाना खेलिए आओर मानवीय मलमूत्र जे छै ओकरा प्रशोधन केना करबै अहाँके, जेना टॉयलेट निर्माण करैके एकटा अभियान चलै तऽ टॉयलेट निर्माण तऽ भऽ गेलै आब टॉयलेट भरल जा रहल छै तऽ भरि गेलै तऽ ओहि मानव मलमूत्रके प्रशोधन करैके लेल अहाँके सेहो योजना लगाबऽ पड़त, अहाँके
स्वच्छता अभियान में अहाँ के सड़क में जो हम अहाँ चले ओकर सर सफाई अबै छै अहाँके जे वातावरण हम अहाँ साँस पड़ै छी ओकर स्वच्छता के वातावरण हमरा आगे क्रिएट करय पड़त। जे अस्पताल में हम अहाँ जाइ छी सुविधा लेबे लए ओ अस्पताल के जे छै से सैनिटरी व्यवस्थापन केहन छै ताहिपर अहाँके ध्यान देबय पड़त। महिला सब छथिन जे एडोलेंस एज के महिला सब चाहे बच्चा जे छै पैदा करय वाला जे महिला सबके समूह छनि ओहि समूहके जे महिला सबके जे रिलेटेड महिला अङ्ग प्रत्यङ्ग सब चाहे हुनकर सबके अफिलेशनसँ जे रिलेटेड जे फोहर छै ओकर व्यवस्थापन अहाँ केना कऽ रहल छी। ताहि दुआरे ई स्वच्छता अभियान जे छै से एकेटा खाली ओकरा फोहरेसँ नहि देखल जाइ हम आबि रहल छी ई नीक बात हम अहाँके कहै छी कारण ई बुझनाइ जनताके लेल बहुत जरूरी छै। जेना अपने कहलियै मन्दिर मठ मन्दिर ओहिमे अहाँ सबके अलगानी करै छी तऽ जेना अपनेके हम कहि रहल छी कि अहाँ देखैत हेबै कि बड़का बड़का देश सबमे बड़का बड़का वाटर डैम बना रहल छै ओ सब हमरा सबके कथी करय पड़तै अहाँके चूरे रेंजमे जतेक छोटका छोटका खहरे खोला छै ओ सब खहरे खोलाके चूरेके फेदमे जे जमीन छै ओहिठाम ओकरा सबके जे छै रिजर्वेयर बनाबय पड़तै। ओकरा यदि अहाँ रिजर्वेयर बना रहल छियै तऽ फ्लडसँ जे जनता सब अफेक्टेड होइ छलै ओकरा अहाँ रोकि सकै छी आओर ओहि रिजर्वेयरमे पानि जे जमा हेतै ओहि पानिसँ अहाँके वाटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज सेहो अहाँ कऽ सकै छी। पोखरि सब छै तऽ पोखरि जे छै सबसँ बड़का उपाय छै अहाँके काल्हि मने रेन वाटरके हार्वेस्ट करयके चाहे छोटका छोटका खोलासँ जे पानि सब बहि कऽ अबै छै तकरा जमा करयके ई तऽ हमर सबके पुराना शैली छै ने जे हमरा अहाँके पूर्वज करैत अबै छलखिन हँ। ओहि पोखरिके अहाँ मल्टीपर्पजसँ प्रयोग कऽ सकै छी। एकटा तऽ कथी कि हमरा अहाँके धर्म संस्कृति सेहो जुड़ल छै पोखरि ओकर सौन्दर्यीकरण आओर ओहिमे जे पानि जमा भऽ रहल छै पहिलो करी लगा कऽ लोक पटबै छलै किसान सब आइ अहाँ मोटर लगा कऽ पटा सकै छी अहाँ ओकरा तऽ ई सब चीजमे अच्छा मठ मन्दिरके अपने सवाल कही सबसँ बेसी फोर कतऽ होइ छै जैठन मठ मन्दिर छै अहाँ सरकार जे कोनो काज करतै तऽ कोनो भी फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर जे भौतिक पूर्वाधारके अपने बात करबै तऽ तखन तक उपयोगी होइ छै जखन ओकरा जनता प्रयोग करै छै। तऽ जेना अहाँ जानकी मन्दिरमे मानि लिअ हम अहाँ मेला लगबै छी ओहिठाम जे लोक अबै छथिन जानकी मन्दिरके दर्शनमे तकर बादके जे हुनकर सबके जे तीन दिन चारि दिनके स्टे होइ छै ओहिसँ जे डस्ट अफ्लुएंसेस सब जे दिशा पिशाब जे निकलै छै ओकरा व्यवस्थापन करय तऽ अहाँके सोचै पड़त। मठ मन्दिरमे अहाँ नहि जाउ से नहि कहि सकै छी अहाँ लेकिन प्रदेश सरकारके ई चाहना नहि छै जे खाली मठ मन्दिर निर्माण कऽ कऽ मदरसा निर्माण कऽ कऽ पैसा जे छै से बटबै से चाहना नहि छै प्रदेश सरकार लेकिन जे छै तकरा संरक्षण केनाइ जरूरी छै जे छै तकरा व्यवस्थित केनाइ जरूरी छै जाहिठमन टॉयलेट छै टॉयलेट निर्माण केनाइ जरूरी छै। अच्छा अहाँ राजमार्गमे जाउ तऽ अहाँके सार्वजनिक टॉयलेटके निर्माण केनाइ अहाँके जरूरी अहाँके तखन छोट नगरमे आवश्यकता छै राजधानी छै राजधानीके आवश्यकता एकदम बहुत आवश्यकता छै। ई सब चीजपर जे छै से यदि स्वच्छता अभियान आगाँ बढ़ि रहल छै तऽ ई सकारात्मक पक्ष छै। जहाँ तक अपने होर्डिंग बोर्डके बात कहलियै ई स्वाभाविक छै कि सामाजिक जीवनमे अहाँके नेता सब जे होइ छथिन ओ समाज एकटा सिम्बोलिक एकटा हीरोइक पर्सनैलिटी सेहो नेता होइ छै अहाँके जे बहुत दुख कष्ट कऽ कऽ सङ्घर्ष कऽ कऽ एकटा जगहपर समाज ओकरा पठबै छै आ ओ जे कोनो जेना हम एकटा उदाहरण दै छी एकटा मेयर यदि झाड़ू लगा कऽ जानकी मन्दिर सफा करऽ जा रहल छथिन ताहिसँ जे छै से ओ स्वीपर नहि भऽ जेथिन आ ओहिसँ जे छै सफाई कार्यक्रम सफल नहि भऽ जेतै लेकिन एकटा मैसेज कथी जा रहल छै कि हम एहिमे प्रतिबद्ध छी हमरा लेल ई सबसँ महत्वके विषय छै। यदि हम एक दिन सफा करऽ जाइ छी हम यदि एक दिन लेबर बनिकऽ काज कऽ रहल छियै तऽ जे व्यक्ति ओ काज सदैव करै छथिन हुनकर मान सम्मान स्वाभिमानमे ठेस नहि पहुँच सकैए कारण ई आवश्यक काज छै आओर सबके करबाक चाही एकटा से सिम्बोलिक रूपसँ जे आगाँ बढ़ायल जा सकै छै। आओर जहाँ तक अपने होर्डिंग बोर्डवला बात कहलियै ई हमरा नहि जानकारीमे अइ यदि होर्डिंग बोर्ड लागि रहल छै तऽ बहुत बड़का अनर्थ भऽ गेलै सेहो बात नहि छै लेकिन कह रहल छी बिहारके एक तऽ ई प्रदेश सरकार कऽ की रहल छै किछु भारतके नकल आओर किछु बिहारके जे विकृति सब छै ओ अहाँके लऽ कऽ एहिठाम प्रयास कऽ रहल छै। ई लोकके मानसिकता गलत छै अहाँके हम कहऽ चाहै छी कि इएह जनकपुर छै आओर हमरे सबके दूटा पार्टीके एखन सरकार छै राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल आओर सङ्गे समाजवादी फोरम कतेक प्रतिशत वोट आयल छै हमरा सबके हमसब तऽ ओहो जनै छियै ने आ जे लोक सब हमरा सबके आलोचना करै छथिन तऽ कोन कॉर्नरसँ आलोचना आबै छै ताहिसँ हमसब अनभिज्ञ छै हमसब हुनको सबके चिन्है छियै ने जे आलोचना किया भऽ रहल छै आ हुनका आलोचना करऽके अभीष्ट की छै हुनकर सेहो हमसब बुझै छियै ने तऽ अपनेके हम एकटा बात कहऽ चाहै आलोचनाके अवसर नहि देबऽ पड़त नहि हम ई कहै छी अहाँके अवसरके बात नहि छै अवसर देबै तऽ ने आओर अहाँके करेक्शन करब हमरा कमजोरी बुझऽके लेल पाइ दे कऽ बुझऽ पड़तै अहाँके कंसल्टेंट हायर करऽ पड़ै छै आ यदि केओ मित्र ओहिने कऽ दै छै तऽ आओर बढ़िआँ खुशीके बात छै हुनकर बात सुनऽमे हमरा सबके आनन्द अबैए आ नीक आलोचना हेतै तऽ ओकरा सकारात्मक ढङ्गसँ लेल जेतै कारण ई समाज सरकार तऽ सबके होइ छै ने जे मत देलखिन तकरो होइ छै आ जे मत नहि देलखिन तकरो होइ छै ओकरा तऽ समग्र समाज एना छै ने सर अपनेके आम जनताके बुझाइए आम जनताके अपने कहलहुँ जे द्रवित समाज छै बहुत दिनसँ भूखल छै जे अपन शासन अपन प्रशासन एलै ओकरा भोजन भेटलै ने यदि एक सप्ताहके
दू सप्ताह के भूखल व्यक्ति के अगर भोजन भेटे तो चाहे नीक जगह भोजन करी आरम्भ से। जनता विकास के भूखल चले उपेक्षित है, अपने देखल जेतें राजमार्ग के साइड के प्रगति अ साइड के प्रगति के फर्क से जनता ये चाह रही आप कम से कम हमारे सरकार है तो दिखाई दे ना परिवर्तन। अपने हम फिर डाटा देखा 3 करोड़ रुपया के अठाम गाड़ी किनाई सड़क में जनता चाह रही सड़क हो सिंचाई नहीं पा रहा मल खाद नहीं पा रहा अपन सारा कृषि के समस्या अपने रख लेकिन देखा कि मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के कार्यालय 3-4 करोड़ रुपया बजट छुटिया गाड़ी खरीद के लिए 3 करोड़ रुपया गाड़ी किनल जा 3,32,000 या लाख हर खर्च अपने के सड़तल अवस्था देखा दे रहा है। अपने कहे आवश्यकता है आवश्यकता पूर्ति भर से लेकिन जनता ही नहीं बुझ रहा है। जनता के बुझे पड़े ना कि कम से कम हमारा विकास हमारा द्वार आयल हम अपने के कह रहा एक कथी करेक्शन करे चाहे कि भारत के नकल कर प्रदेश तू कर यदि यदि क्यों कह रहा है यदि हम सब नकल कर रहा तो ओमे समस्या कत हम अगर प्रश्न आंसर कह जाए समस्या कत अमेरिका रिसर्च करे अमेरिका के रिसर्च 10 वर्ष में भारत जेने के तेने कॉपी करे आ भारत जे रिसर्च कॉपी करे ते रिसर्च के यदि हम सब 20 वर्ष में जेने के तेने कॉपी करे के क्षमता में पहुँचबे तो नेपाल अंडर डेवलप्ड कंट्री के क्लब में नहीं पड़ते ये डेवलपिंग कंट्री बनते ककरा सन के ब्राजील सन के जापान रिसर्च करे आ 6 महीना के भीतर में चाइना ओकरा सीधे कॉपी करे रिसर्च में जापान एक एक मिनट अपने के रास्ते हम नहीं बात कर रहे छी भारत विविधता भेल देश से जापान एक रिसर्च करे 3 महीना से लेकर 6 महीना में चाइना ओकरा ठीक है कॉपी कर दी रिसर्च में जापान के अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट हुई है ओकरा कॉपी कर चाइना ओकर सामान जापान के तुलना में 60% सस्ता मार्केट में दी है ओकर क्षमता छे चाइना के जो कॉपी कर सके लेकिन जापान के क्षमता की छे कि इन्वेस्टमेंट क के रिसर्च क के इन्वेस्टमेंट के बाद रिसर्च क के प्रोडक्ट बना सके है। जापान के अपन स्थान छे चाइना के अपन स्थान छे यदि भारत के कॉपी कर रहल छे प्रदेश नंबर 2 के सरकार तो में कतो समस्या छे भारत के नीक चीज के कॉपी करे में कोनो समस्या नहीं छे। और दोसर बात अपने कम कह जाय छे यहां के लिए मधेश के बिहार के बात के लिए हम बिहार की कर रहे हैं भारत से पहले ऐसे पहले हमारा बिहार की बात कर चुका बिहार के कोनो बिहार के ओडी कोड जे नेता के हमारे के रहल छे हमर अहाँ के धर्म संस्कृति रीति थीति खान पीन पहिरन ओरन मुँह कान भू बनोट भौगोलिक अवस्था यदि यूपी से मिल रहा है यदि बिहार से मिल रहा है हमरा सब के व्यवहार यदि रिजम्बल भ रहा है कत समस्या है बिहार तो बहुत बढ़िया कर रहा है बिहार विकास में बिहार आगा बढ़ रहा है लेकिन ओकर जे विकृति सब छै ना एक टा विकृति जोड़ा वहाँ हमरा जे प्रदेश सरकार बिहार के ई विकृति के कॉपी कर लेलकै एक टा हमरा जोड़ा ते बारे हम ई कह चाहै छी अहाँ के ई अहाँ के आवाज नहीं है वही व्यक्ति सबके आवाज है जिनका में धैर्यता नहीं है जिनका में एक्सपोजर की कमी है और जे चीप सब कोनो चीज प्रयोग कर दी उनका कह चाहिए कॉपी के नए भारत आई विश्व के थर्ड शक्तिशाली अर्थतंत्र तेसर और विश्व के सबसे बड़का लोकतंत्र ओहिठन एक से एक मूर्धन्य व्यक्तित्व सब एक से एक व्याख्याता एक से एक ज्ञाता लोग सब यदि ओहिठन के नीक मॉडल हम सब यदि लगा बढ़िया बात है ना हुनका सब सहयोग लऽ सकै छी हम सब जे हमरा सब ई काज करू जहाँ तक मधेश कहले जे हम विविधता नहि छै मधेश के विविधता के बारे में विश्व अध्ययन करते ने तो यथेष्ट चीज बनि जेतै अहाँके मधेश एहन जगह छै जेठना अहाँके धार्मिक विविधता छै सामाजिक विविधता छै आर्थिक विविधता छै और इसमे अहाँके हरेक चीज छै जाहिमे अहाँके अन्वेषण के आवश्यकता छै और नीक बात कहै छी कि मधेश सबसे सहिष्णु भूमि छै एहि दुआरे सहिष्णु भूमि छै जे अपना नेपाले के खाली एक मिनट दीजिए नेपाले के अपने उदाहरण देखबे तो हिमालय के लोग मधेश में ये पहाड़ों के लोग मधेश में ये हम अहाँ मधेश के लोग तो छे आ एक सही कर रहा छी मधेश मतलब एक स्वीकार कर रहा छी मधेश एक अटा कर रहा छी मधेश तो मधेश के सन के सुनौलो आ मतलब बढ़िया गौरवपूर्ण इतिहास के कर छी तो विविधता अपनों सब के छै ताहि दुआरे हमर कनामी छै कि अहाँ कोनो छिमेकी मित्र राष्ट्र के ककरो सही बात छै सही मॉडल छै तऽ लेबऽ पड़तै। दोसर नंबर जे अपने कहलहुँ हैं गाड़ी घोड़ा के बात अपने उठेली हम अहाँ के ई कहऽ चाहै छी कि जनकपुर के मेयर कतेक करोड़ के गाड़ी चढ़ै छथिन यदि ई समाचार बनै छै तऽ संगे संगे इहो समाचार बनाबऽ पड़तै कि एहि देश में जतेक मेयर सब छथिन हुनकर सबके गाड़ी के कॉस्ट कते छै ओ सब गाड़ी चढ़ै छथिन नहि चढ़ै छथिन संगे संगे आबक चाही
एहिठाम के मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्री परिषद यदि 3 करोड़ के गाड़ी चढ़ल के तो दोसर प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यालय यदि गाड़िए नहीं चढ़े छे रिक्शे चढ़े छे तो यदि हमारे मंत्री सब गाड़ी चढ़ल के बड़का भारी नहीं चढ़क चाहिए। यदि दोसर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्री सब गाड़ी चढ़ रहा छथिन हम कहब अपना मंत्री के अहाँ पैदले चलू दो कर चलिए हमारा गोटा पानी आनि के दे देवे ये केहन विषय भ गए अहाँ के एक गाँव में आग लगे कि तो नेता चल गए अपने के प्लेन से तो कहल गए जनता केहन अहाँ खराब लोग अहाँ के जते पाई अहाँ खर्च कलिए से अहाँ के ट्रेन से अबती तो बचत भ जती हमरा सबके पाई से उधार हो दोसर बेल एहने भेलै ओ नेता जनता के बात बुझलखिन कि चल गेलखिन ओ ट्रेने से गेलखिन तो पथराव हो गई आग लगे आई अहाँ 3 दिन के बाद अबै छी अहाँ के प्लेन से नहीं आबे चाहिए तो किछ अहाँ के किछ विषय सब छै जकरा आलोचना करू नीतिगत आलोचना करू लेकिन किछ एहन चीज छै जकरा अहाँ के स्वीकार करय पड़तै कि आवश्यक छै ई नहि कऽ के हमसब आगाँ नहि बढ़ि सकै छी। 3 करोड़ के गाड़ी किनलखिन से इम्पोर्टेन्ट विषय नहीं छै लेकिन गाड़ी किनला के बाद ओकर उपयोग केना भ रहल ये एकदम हमरा लगे विषय इहो छै जे प्रदेश सरकार कह रहल छै जेठ तक हम मात्र पेमेंट करब कथी के पेमेंट करब कोनो पाई के यदि जेठ के बाद विकास निर्माण के बिल लाए हम सब पर छोट करब नहीं नीति छै नीतिगत छै सरकारी आगे ओहन नहीं हेबाक चाही किएक तऽ नेपाल सरकार के एकटा आर्थिक वर्ष छै लेकिन प्रदेश सरकार अपन काम के दुरुस्त होय ते हिसाब से रखै छै। फागुन छै अपने के विकास के बजट कते खर्च भेल छै आम जनता ई कह रहल छै विकास के बजट कते खर्च भेल छै किछ नहि भेल छै केवल गाड़ी खरीदल छै आम जनता के चाहना छै विकास बजट ठप छै ठप नेता के सुविधा सम और मंत्री के सुविधा ठपा रहल छै एहि पर सेहो आपत्ति एकदम सही बात छै यहाँ के बहुत नीक बात अहाँ कहलहुँ हैं संघीय सरकार और सातो प्रादेशिक सरकार सबके डाटा लगे अपने अपने डाटा लगे अपने बैसबै तो संघीय सरकार के पूंजीगत खर्च अहाँ के 3% छै जकरा अहाँ विकास खर्च कह रहल छियै संघीय सरकार के 3% खर्च मात्र अखन तक कऽ सकल छथिन ई संघ के सरकार के बात कर रहल छी जाहिठमन अहाँ के 80% बजट जे छै देश के जनता के रेवेन्यू राजस्व संघीय सरकार परिचालन कर रहल छै 83% ओहिसँ कम नहि बेसी ओकर अवस्था से छै। बाकी प्रादेशिक सरकार के अवस्था छै से अहाँ के 1.5% से लऽ कऽ 2.5% ओतबे पूंजीगत खर्च बढ़ अखन तक भेल छै अहाँके। अब अहाँ प्रदेश नंबर 2 के सरकार में आबि जाऊ अहाँ के चिंता के विषय गम जाइ छी कि हमर सबके प्रदेश में जे विकास बजट छै से समय से खर्च करबे दोसर चौमासी के बीत गेलै समय से खर्च करबे तब ओकर बढ़िया जगह कार्यान्वयन हेतै ओकर क्वालिटी के काज हेतै आ अंत में आषाढ़ में करबै आषाढ़ में पेमेंट कऽ देबै आ ओ आइ रोड बनतै आइ हमर सब उधारा चलि जेतै एहिके लेल चिंतित होनाइ जरूरी छै एहिके लेल जे जनता सब आवाज उठा रहल छथिन से एकदम बढ़िआँ आवाज उठा रहल छथिन। दोसर नम्बर बात अपने गामके देखि रहल छी कि प्रदेश सरकार लगमे तऽ एकटा इहो चुनौती छै ने चुनौती कथी छै कि हमर जनसंख्या अछि 23% प्लस हम रहै छी एकदम छोट भूमिमे 6% भूमि अछि हमर सबके आओर हमरा बजट भेटल यऽ अहाँके लगभग जे छै से 28 अरब 29 अरबके बजट भेटल यऽ हमरा 28 अरब ओतेक बजट भेटल यऽ हमरा तऽ हमर सबके तऽ ई उद्देश्य छै ने कि हमर सबके गौरवपूर्ण योजना सबके आगा बढ़ा कऽ आइ ओ 28 अरब हमसब काल्हि मने 58-60 अरब रुपया केना कऽ मांग करबै केंद्र लेल तकर लेल हमरा सबके काज करऽ पड़ि रहल अछि काज करबाक चाही एकदम हम कहि रहल छी तऽ हमरा सबके हम अपन लक्ष्य कहि रहल छी सरकार के लक्ष्य कहि रहल छी हमर सबके लक्ष्य कथी अछि कि एहि बजट से हमरा नहि पहुँच रहल अहाँ सब अन्याय कऽ रहल छी हमरा जते जनसंख्या अछि जते एहि देश के टोटल राजस्व मे 1% राजस्व कंट्रीब्यूट करै छी हमसब तऽ चाहबै ने जे हमर 28-29 अरब के जहाँ बजट दै छी ओकरा अहाँ 60 अरब करू तकर बादे जे छै हमसब अहाँके जान छोड़ब नहीं तो हमरा सबके हमसब तो राजनीतिक कर्मी सेहो छी ने हमसब तो कहै छी ने हमरा सबके संदूको पर कब्जा करऽ पड़तै बंदूको पर कब्जा करऽ पड़तै तै संदर्भ में अपने कह चाहे छी कि प्रदेश नंबर 2 के विकास बजट के जे खर्च छै अखन से 10% के हाराहारी में पहुँच गेल जे कि अन्य सातो प्रदेश से जे छै बेसी छै अपने अनुसंधान करब यदि कोनो नीचा पर बुझाए तऽ फेर हमरा बजा लेब और अहाँके हम ई कह चाहे छी कि किछु काज लेट भऽ रहल छै तकर 2 टा कारण छै एकटा कथी कारण छै कि 4000 कर्मचारी हमरा सबके आवश्यकता छै कर्मचारी छै अपने के 250 से 300 तकर बाद की भए छै अहाँके कि एक मंत्रालय में 3-3 टा सचिव एके वर्ष भीतर में चेंज भए छै बजट निर्माण केलखिन एकटा सचिव आब अखन तक कार्य करथिन एकटा सचिव आब काल्हि हमने ओकरा जे कार्यान्वयन के बाद हेतै तेसर सचिव संग काज करय के अवस्था छै कानूनी क्लैरिटी सबके अभाव छै अहाँके लेकिन एहि सब चीज से हमसब आगाँ बढ़ि रहल छी एहि सब चीज से आगाँ बढ़े पड़तै जेना
आ कर्मचारी निवृत्ति द्वारा हम बजट नहीं खर्च करूँ से कहूँ के अधिकार प्रदेश नंबर दू के सरकार लग में नहीं कथी लिया नहीं तो हम सब से अहाँ के कॉन्ट्रैक्ट में इम्प्लॉई हायर कर सकें विधेयक पास कर देगी हम सब विधेयक पास कर देगी या तो हमरा सबके कर्मचारी दिए नहीं दे तो हम सब हायर करके आगे बढ़ू और अहाँ के हम यो कह चाहे कि जे बजट से विनियोजन भ गए सारा जगह काज अभी द्रुत गति में बढ़ रही है अहाँ के विगत एक महीना से लगकर अखन के अवस्था है अहाँ के बहुत आगा से काज बढ़ रहा है। दोसर अहाँ के एक तखन एक जेन्युइन कंसर्न छा कि नीति तथा कार्यक्रम एक ढंग के लिए बहुत प्रशंसा भेल देश भर में प्रशंसा भेल और बजट जे भेल से एक रूपता समरूपता ओ ढंग से नहीं है तकर किछ कारण सब रहे जे समय के अभाव रहे अनुभवों के अभाव रहे और जल्दीबाजी के कारण कर्मचारी के अवस्था देने सभी सरकार की जायज प्रयत्न पर बचक अवस्था नहीं हम सब बचा नहीं चाहे थी अहाँ के हम कह रहे थी अहाँ कथी कहल जे संघीय सरकार के हम सब ही कह चाह रहा थी जे अहाँ के राजस्व में एक तिहाई के कंट्रीब्यूशन प्रदेश नंबर दू के जनता कर रहा है तो आबे वाला समय में अहाँ के राजस्व वितरण कर रहा है तो हमारा जनसंख्या के आधार में यदि हमारा नहीं देव तो कल भी राजस्व पर तो ताला मारि देवे ना हमसब एकदम राजनीतिक नारा नहीं है जे हमसब गाय नहीं पड़े चाहे हमर सबके दायित्व है आई प्रदेश सरकार के लिए सक्षम है जे हमर सबके जते बजट है से बजटों खर्च भ रहा है। दू दिन पहले अखन के अहाँ के अर्थमंत्री आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री माननीय विजय यादव जी और हम स्वयं काठमांडू गए ओहिठाम के राष्ट्रीय योजना आयोग लग में हमसब अपन बात सब राखि के आयल छी और हमसब कहि के आयल छी स्पष्ट ढंग से कि यदि ई संघीय सरकार जे लक्ष्य रखने अहाँ के 2030 तक के लक्ष्य रखने ओ लक्ष्य सबके जे प्राप्ति करे अहाँ सब चाहि रहल छी तऽ हमर सबके गौरवपूर्ण योजना सब ई एहि ढंग से अहाँ सब बजट परिचालन करियौ और स्पेशल पैकेज प्रदेश नंबर दू के सरकार के संगे अहाँ सबके चलऽ पड़त नहीं चलबे तो ई बात आगा नहीं बढ़त तऽ ई हम एकटा अपने के संचार माध्यम से जनता के निवेदन करबै जे अहाँ के जे सरकारी नितान्त मधेशी जनता के सरकार छे और अहाँ के भावना के कुठाराघात करे वाला कोनो काज नहीं करते और जे बजट हमरा सब लग में अखन प्राप्त भेलिए ओकर पाई पाई जे हमसब सदुपयोग करबे और समय में सदुपयोग करबे और एक संगे संगे ऐसे ज्यादा जे बजट केना गेते तै के लिए जखन हमसब काज कर रहल छी तऽ पैसा खर्च नहीं भेलै तै के लिए चिंता के विषय पैसा खर्च हेतै लेकिन खर्च नहीं भेलै तै के नाम में अहाँ दुरुपयोगो के तऽ खर्च नहीं करे पड़लै ने जे पाई एठन आबि गेल छै पाई तऽ जनता के पाई छै ने यदि हमरा मंत्रालय में हम बढ़िया जगह ओ पाई के सदुपयोग कऽ के खर्च नहीं कर सक रहा छे तो हमरा खाता में रहते ने नेक्स्ट ईयर में ओ पाई खर्च हेतै ने ओ तो जनता के पैसा छे ने लेकिन खर्च नहीं भेलै तै नाम पर अहाँ दुरुपयोग कऽ देबै ओकरा मिस यूज कऽ देबै गलत काज कऽ देबै सेहो तऽ नहीं भेलै तै दुआरे किछ समस्या सब छै अहीं के प्रदेश के समस्या नहीं अहाँ सब पत्र पत्रिका पढ़ देबै हमर सबके लाल बाबू माननीय मुख्यमंत्री जी लाल बाबू राव जी जतेक आलोचना प्रधानमंत्री के नहीं करै छथिन जैसे बेसी आलोचना हुनकर हुनके प्रधानमंत्री पार्टी के जे मुख्यमंत्री सब छथिन ओ सब कर रहल छथिन जतेक जे छै से हमर सबके आंतरिक मामला मंत्री ज्ञानेंद्र जी जतेक जे छै से आलोचना नहीं करै छथिन केंद्रीय सरकार के ओहिसँ ज्यादा जे छै से अहाँके प्रधानमंत्री पार्टी के जे छै से प्रादेशिक सरकार के मंत्री सब आलोचना कर रहल छथिन तऽ कह के अर्थ कथी छै कि संघीयता के जे नया एकटा परिवेश छै नया एकटा सोच छै ओकर अगुवाई प्रदेश नंबर दू करते फेर ताहि दुआरे प्रदेश नंबर दू के लग में संघीय सरकार के खाली आलोचना कऽ के हमसब ओहिठाम बैसबै तऽ हमर सबके समस्या समाधान भऽ जेतै से अवस्था तऽ पक्के नहि छै लेकिन संगे संगे अहाँके इहो बुझऽ पड़त जे कतेक ठमन छै जे हमसब किछु काज करहो चाहै छी तऽ कानूनी अड़चन अख्तियार के नाम कानून नहि भेलै अख्तियारी नहि भेलै ताहि के नाम पर विभिन्न अड़चन सब सेहो छै अहाँके तऽ ई जेन्युइन अड़चन सबके जे छै से हमसब जनता के बीच में रखते रहबै ई जे पैसा छै ई मधेशी जनता के पैसा छै प्रदेश नंबर दू के पैसा छै और प्रदेश नंबर दू के सरकार के असफलता के तऽ कतौ गुंजाइश नहि छै और आइ के जे कैबिनेट छै अहाँके प्रदेश नंबर दू के सरकार के चाहे संघीय समाजवादी फोरम होइ चाहे राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के नेता सब होइ ओहि पार्टी के जे मधेश आंदोलन के अग्रज योद्धा सब छै सीनियर लीडर सब छै ओकरा सबके सरकार में लऽ कऽ जिम्मेवारी देल गेल छै तै दुआरे यदि ओ सब असफल भऽ रहल छथिन तऽ मधेश आंदोलन मधेश आंदोलन असफल भऽ रहल छै तै दुआरे ई असफलता तऽ भइए नहि सकैए। माधव नेपाल जी के रहल छथिन हमसब अंतिम निश्चित छोट में बात करी माधव नेपाल जी के रहल छथिन जे सरकार तो प्रदेश नंबर दू के कखनो खस पड़ते अइमे एते दू कवर करे रहो कखनो खस सकैए ई अवस्था से ठीक है। माधव नेपाल जी इहो कहने रहथिन कि देश में संगीते नहीं माधव नेपाल जी इहो कहने रहथिन जे दाम दक ज्ञानेंद्र के सलाम ठोकने रहथिन माधव नेपाल जी माधव नेपाल जी के दी अवस्था छे कि अपना पार्टी भीतर में जे नेता बन गरो हम उनका तो सिर्फ पार्टी में मंत्री के बेसी आलोचना में बात ये आ रहल छी मीडिया सब में जे हटाव के बात कर रहा है जे प्रश्न तक उत्तर दे रहा है तो
माधव नेपाल जी की कह रहे तब प्रदेश नंबर दू के सरकार नहीं चल रहा प्रदेश नंबर दू के सरकार के अपन योजना है अपन पार्टी है अपन आंदोलन के इतिहास है और अपन मायने के अनुसार से चल रहा है। उपेन्द्र जी संघीय सरकार में कल अपने संगे अगर हटियो जाए तो उनका समर्थन लगा सरकार चलाब सकते संघीय सरकार में रहती संघीय सरकार के विरोध करते तो उनका अपने नैतिकता नहीं देते ते द्वारा वहां हटा सके राजा बाकी उपेंद्र जी की करथिन से तो उपेंद्र जी के निर्णय देख रहा जी ने हां उपेंद्र जी की कह सके छलखिन से तो विगत के बात में लेकिन उपेंद्र जी को की रहजन से तो हमरा आगे सामने में छे ने की कर रहल छे राजपा संगे सरकार बना रहल छे जे मुद्दा पर जो चुनाव रहले सब संगे सब ओहिठाम जाकर दुनू गोटे संघीय सरकार के जबरदस्त रूप से गायब करै छी जोर जोर से ओहिठाम से बुझाय जेना काठमांडू सुना जाए लेकिन ओहिठाम जाकर अहाँके उपेन्द्र जी संविधान संशोधन के दस्तावेज पर सिग्नेचर कर संविधान संशोधन कर सकते आ वो कह सकते जो काल के दिन में राजा पास साइकिल दौड़बे दौड़बे तो पसा छत्ता लगा सेवा तैयार हेतु अबे करते उपेन्द्र जी के निर्णय की चीज अहाँ देख रहा छी उपेन्द्र जी के यदि ओतबे लालसा रहते जे मधेश आंदोलन के जे योद्धा पार्टी छे जे संगे संगे हमसब चुनाव संघर्ष केलहुँ अखन चुनाव लड़ रहा सरकार बनेने छी तो बुझे के नहीं निर्णय केने हेथिन और जहाँ तक अपने कहलहुँ जे सरकार में संशोधन के सवाल में हमसब जनकपुरे में नहीं कही छी उपेन्द्र जी तऽ काठमांडू में प्रेस रिलीज होइ छै अहाँ सब जे टीवी में देखबै छी तऽ ओठन के लोग सब सुनै छै तो उपेन्द्र जी सरकार में जाकर संशोधन करायब से हुनकर विश्वास छलनि ओहि विश्वास के तहत ओठन सरकार में गेल छथिन हमसब कहलिए संशोधन भऽ जेबै तकर बादे जाय छै तऽ दू ठमन जे छै विमति रहलै हमरा सबके निरन्तर एकटा तऽ जे अहाँ साइकिल चढ़ि कऽ जे छै से पचा पचा एतऽ से कहलखिन तऽ बहुत पहिले कहने छियै कि अहाँ जे छै से जाकऽ आओ बम लऽ कऽ अहाँ जे पुले के उड़ा देबै तऽ साइकिलो नहि चलतै नहि साइकिलोके तऽ अहाँ रोकि देलियै आइ निर्वाचनके समयके बात छै अहाँके अखन जे छै से हुनका ई छनि जे हम सरकारमे रहि कऽ जे संशोधन करा सकै छी दू तिहाई हेतै हमसब कहलियै दू तिहाई हमहूँसब पहुँचा दै छी बाहरे रहि कऽ लेकिन संशोधन करऽ पड़तै एक प्रधानमंत्री तो भीतर में तो संघर्ष कर रहा छथिन ओ कह रहा छथिन कि हमरा नहीं करब तो हम सब आगे छोड़ दे अइठम तो हम सब एक रूपता छै ने हम सब सड़क से संघर्ष कर रहल छी ओ जे संसद में सरकार में रही कर संघर्ष कर रहल छथिन ओ तो इन्हीं कह रहा छथिन कि संविधान संशोधन के मुद्दा आप जे छै से जायज नहीं रह गेलै बगले आब हम जे छै से केपी ओली जी के संगे समर्पण कर दै छै तऽ नहीं कह रहल छथिन तऽ ताहि दुआरे उपेन्द्र जी जे छै से की करथिन उपेन्द्र जी के निर्णय जनता देख रहल छै ने मधेश के जनता हम अहाँ सब आदमी देख रहल छी ने ताहि दुआरे हमरा ई बुझाइए जे अखन के प्रादेशिक सरकार के जे समीकरण छै ई मधेशी जनता के भावना के अनुसार भेल छै राजपा के ओ हटा देथिन ई बात सब जे छै से अहाँ सब जे बाइज करै छी दूटा पार्टी के बीच में बुझाइए जे वैमनस्यता भऽ जेतै एहि सबसँ मधेश के पार्टी और मधेश के नेतृत्व मेच्योर भऽ जाय के डेट में अवस्था से नहि छै हमरो सबके पहिले बड़ रणभुलव करथिन कि अहाँके केन्द्रीय पार्टी सब 63 साल के बाद 64 साल में बहुते सरकार बनलै बहुते मित्र मंत्री बनलै बहुते पार्टी तोड़लखिन फोड़लखिन तो सबके अनुभव तो भगल छै ने की करब पड़तै तो ते दुआरे ई सब हटाए दे छी राजपा के मंत्री सब के मीडिया त केरल छै जे दू तीन टा मंत्री जी के छुट्टी होवे के संभावना छै हल्ला के भर में बैठक के भर में मंत्री सब ने बनी छै ने हटै छै काम संतोषजनक नै छै काम संतोषजनक नै छै से बात नै छै काम करे के परिस्थिति निर्माण नै भ रहल छै निर्माण करे के जिम्मेवारी त हुनके सब के छै ने आलोचना त लोकतांत्रिक पार्टी में जीवंत पार्टी में भनाई जरूरी छै हम सब हुनका मंत्री बना के पठेने छन पार्टी अभिवारा देने छन हमरा नीति आयोग में पठेने छथिन आ पार्टी के सोच अनुरूप से घोषणा पत्र अनुरूप से जनता के भावना अनुसार हम कार्य नहीं करबे हमरा जगह में अन्य मित्र थे वो ओते बड़का विषय नहीं छे और यदि ओकर मूल्यांकन ही नहीं हेतै समीक्षा नहीं हेतै आलोचना नहीं हेतै तहन तो राजा के हम सब मानै छलिए ओ सिरपेच पैरा दियो ओकर सब दिन के लिए रही जेतै तो ते दुआरे ई अवस्था नहीं छे ओ सब पार्टी के सीनियर लीडर छथिन बैठक में सब चर्चा के विषय भेल छे और काज केना के बढ़िया हुए शक्ति संतुलन केना के बढ़िया हुए जन अपेक्षा में केना के खरा उतरी ताहि के लिए सुझाव सलाह मान्य जी सब देलखिन हँ तऽ ई बढ़िया बात छै जीवंत पार्टी के एकटा अंग छै हमरा बुझै नीक बात छै सकरा धन्यवाद सर धन्यवाद प्रसिद्ध ई छलै था नीति आयोग के प्रदेश नंबर दू के नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र झा राजपा नेपाल के नेता छथि हिनका संगे हम सब प्रदेश सरकार के किछु नीति कार्यक्रम अर्थात जे विकास के काज सब भऽ रहल छै ताहि के केन्द्र में रखलहुँ किछु पोलिटिकल अर्थात राजनीति जे अखन प्रदेश के राजनीति संघीय सरकार सब के बीच में राजनीति और राजपा के भीतर के राजनीति सब के विषय वस्तु के केंद्र में राखि के संवाद कलहुँ कार्यक्रम केहन लागल देख के प्रतिक्रिया जरूर देब बेस्त नमस्कार।